एक बोलते हैं कहावत है, वो कहावत आप लोग अगर समझ जाएं तो अच्छी बात है, चोर के आगे ताला। अगर कोई चोर है ना डकैत, उसके आगे ताला, चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। केवाला मतलब कागज पत्तर। चोर के सामने इतना बड़ा ताला ले आइए, वो खोल के बता देगा, और बेईमान के सामने इतना आप लिख के अपना कागज पत्तर ले आइए, फिर भी बेईमान उससे बड़ा ले आएगा। इसलिए कहा जाता है चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला, चलता उलता नहीं, जब तक अल्लाह का डर ना हो। पूरे खेल में अल्लाह का डर जरूरी है, अगर नहीं है तो नहीं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अगर हमने और आपने किसी की जमीन कब्जा कर ली है, उसका हक मार लिया, और अगर उसने बददुआ कर दी तो बददुआ दुनिया ही में लगेगी। सईद बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उस औरत से ये कहा कि एक बित्ता ज़मीन ले लेना, कल क़यामत के दिन सात ज़मीन का तौक गले में डाल दिया जाएगा, नहीं सुधरी। मौलाना लोग कितना बोलते हैं, समझाते हैं मिंबर से कि मत किसी का लीजिए, वापस कर दीजिए, मरना है, सब यहीं धरा रह जाएगा, का कीजिएगा ले जाके, कोई कब्रिस्तान में ले जाएगा साथ में, भला बताइए, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। अब दो दो साल से, दस दस साल से बातचीत बंद है भाइयों में, इसीलिए वो औरत नहीं मानी। जब नहीं मानी तो हाथ ऊपर उड़ गए, अल्लाहुम्मा इनकानत काज़िबतन फ़ामी बस रहा वजल कब्र रहा फिदा रिहा, अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। अब ये बददुआ कबूल हो गई, बददुआ हुई है, इन्होंने दिल से आवाज़ निकली, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। जिस पर भी जुल्म हुआ है अगर हाथ ऊपर उड़ गए तो अल्लाह उस हाथ को गिरने से पहले ही कबूल कर लेते हैं। शर्त है हमारी और आपकी नीयत सही होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। एक घर कब्जा किया था तो अंधी हो गई, क्योंकि बद्दुआ कबूल हो गई अल्लाह के यहाँ। अब जब अंधी हो गई तो वाकई अंधी हो गई, आंख खत्म, जिसका आंख खत्म उसका दिमाग भी खत्म हो जाता है ऐसा। जब अंधी हो गई तो उसको जाके मिल लेना चाहिए था कि अरे शेख साहब आपने बददुआ कर दी, देखिए मैं अंधी हो गई, प्लीज़ दुआ कर दीजिए मुझको आँख आ जाए और ये घर आप ही का ले लीजिए। लेकिन जो अंधा होता है वाकई अंधा होता है, लाख उसको समझाइए नहीं मानता है वो। कुछ दिनों के बाद वो औरत अपने घर के में घूम रही थी। पहले अपने लोगों के देहात में, आज भी कहीं कहीं पर होगा, देखिएगा कुआं होता था, कुआं पानी निकालने वाला, लोग अपने घरों में भी बना के रखते थे। पहले तो घर के बाहर होता था ताकि पूरे मोहल्ले के लोग वहीं से पानी ले जाएं, कहीं कहीं घर के अंदर भी स्पेशल होता था। तो उस औरत के घर में कुआं था, एक मर्तबा वो कुएं के पास से गुजर रही थी और धड़ाम से उसी में गिर गई, अंधी भी हो गई, कुएं में गिर भी गई, बददुआ कबूल हो गई, घर धरा का धरे रह गया, दुनिया से कुछ लेके गई। लेकिन जालिम बचता नहीं है, अल्लाह मोहलत दे रहे हैं जालिम को, और मजलूम की दुआ अल्लाह सुनते हैं, ये अलग बात है कि ज़रा देर हो जाए और अल्लाह ने सुन ली और अल्लाह ने दुनिया ही में दिखा दिया। इसलिए मेरे भाइयों अपना मामला साफ रखिए लेन देन का। माशाल्लाह आपके यहाँ मार्केट है, तो मार्केट है और आपके यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा अरे आ गया अच्छा चूना लगा देता हूँ, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अरे जो एक मर्तबा आपके यहाँ आया है बार बार वो आपके यहाँ आए, लेकिन कैसे, जब आपका मामला सही रहेगा तब। एक हदीस पर गौर कीजिए, सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 102, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट से गुजरे। आजकल लोग दुआएं करा रहे हैं मस्जिद में, मौली साहब उम्मत के लिए दुआ कीजिए मस्जिद में। मेरा तो एक ही फलसफा है, उम्मत के लिए दुआ मार्केट में होगी, मस्जिद में नहीं मार्केट में, क्योंकि जब मार्केट सही तो सब सही, नमाज तो सही चल ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्केट से गुजरे तो एक ढेर रखा हुआ था, अब चाहे चावल का हो या गेहूं का हो, तो अंदर घुसा के देखा तो गीला था, ऊपर सूखा अंदर गीला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हाथ अंदर करके देखा तो गीला था, तो लग गया हाथ में, मा हाजा या साहिब अत्ताम, अरे गल्ला वाले ये क्या अंदर गीला कर दिया है। तो मालूम है क्या बोलता है वो, असाबत उस समा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश हुई है। कितना बुद्धू था, अरे बारिश हुई तो ऊपर का भीगेगा कि बीच में जाके भीग जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफला जाल तो फौकत ताम कई अरा हुन्नास,
अरे वाकई अगर बारिश हुई है तो उसको ऊपर कर देता तू, ताकि लोग देख लेते कि गीला इसीलिए है। और आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्श फलैस मिन्नी, जो धोखा देगा वो हम में से नहीं है। आज जाके देख लीजिए मार्केट के हालात क्या है, सामान खराब है वहां पर स्टिकर लगा देता है। अरे भाई साहब आपको पता ही नहीं ये नया मॉडल आया है। अरे नया मॉडल आया तो पेट के अंदर घुस के स्टिकर लगा रहेगा। इस हदीस के हिसाब से क्या है कि आप अपनी कमी को दिखाइए। इस हदीस में यही है ना कि भाई आपका गल्ला गीला है तो सब देख लें, आपका माल खराब है सब देख लें। सीधा बोल के दीजिए, देखिए भाई मेरा ये सामान खराब है, इतने कम पैसे में दे रहा हूँ। बोले अरे मौली साहब बता देंगे तो खरीदेगा नहीं, और नहीं खरीदेगा तो पेट कहाँ से चलेगा। मेरे भाइयों पेट चलाने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने पैदा किया जब माँ के पेट में थे तभी अल्लाह ने खिलाया, जब उस वक्त अल्लाह ने खिलाया तो क्या अल्लाह आपको छोड़ देंगे। इसलिए मामला अपना साफ रखिए। और याद रखिएगा, मरने से पहले पहले जितना कर्ज है चुका के मरिए, वरना ये औलाद ऐसी है जो आपके लिए चुकाने को तैयार नहीं है। सुन लीजिएगा और इस पर ध्यान दीजिएगा, और कर्ज किसी से लीजिए उसको लिख लीजिए, और अपनी जोरू को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने दोस्त को बता दीजिए, दोस्त देख मैंने इतना कर्ज लिया है। बीवी को भी बोल दी इतना लिया है, बेटे को भी बोल दी इतना लिया। क्यों? सुन लीजिए हदीस, आजकल हम और आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग बोलते हैं अरे बदनामी हो जाएगी। पूरे कुरान मजीद में सबसे लंबी आयत पता है आपको कौन सी है? सबसे लंबी आयत लेन देन को लिखने के बारे में, फलाने से मैंने इतना पैसा लिया, उसको इतना देना है, उससे इतना लेना है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 283 या 284 देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फ़क्तुबूह। ईमान वालों जब भी लेन देन करो तो लिख लो। सुन लीजिए, जब भी कोई जनाजा आता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, सही बुखारी किताबुल हवालात हदीस नंबर 2287 या 2289, एक जनाजा आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ा रहे हैं, तो मालूम है क्या पूछा? ये नहीं पूछा नमाजी है क्या, रोजादार है क्या, हाजी है क्या, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है क्या। और तो सुनिएगा, जनाजा आया तो पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्जा है क्या। इसलिए इमाम साहब को भी चाहिए कि जब जनाजा पढ़ाएं तो खड़े होकर बोले, भाइयो सुनो, इसके ऊपर कर्जा किसी का लेन देन है क्या, इसके लिए फ़ायदा है। तो कहा गया कि नहीं कोई लेन देन नहीं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ दिया। दूसरा जनाजा आया, फिर वही पूछा, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है, तो किसी ने कहा कर्जा है, बोले चुकाने के लिए पैसा है, बोले हाँ पैसा है, पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है, नमाज के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, रोजे के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, ज़कात के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, लेन देन मामला साफ रखिए, कर्जा है, बोले हाँ कर्जा है, बोले चुकाने के लिए कुछ है, बोले चुकाने के लिए कुछ नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया पता है आपको? सल्लु अला साहिबकुम, जाओ तुम लोग जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। गौर से सुनिएगा, तुम लोग पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब यहां पर एक वाक्य सुनाना जरूरी है, फिर हदीस को मुकम्मल करेंगे। भाइयों सुनो सुनो सुनो, 15 लाख एक जनाजा रखा हुआ है, एक आदमी आगे खड़ा हो गया, बोले 15 लाख, यानी उस मुर्दे का मसला है 15 लाख का, वही अकेला आदमी है, लेन देन का मसला उसके साथ। बोले भाइयों सुनो 15 लाख, जब तक 15 लाख हल ना हो ये दफन नहीं हो सकते। तो उनके 3 बेटे थे, बड़े बेटे को देखा, कहा अब्बा का 15 लाख मेरे पास कहाँ है। दूसरे बेटे का, अब्बा का 15 लाख मेरे पास कहाँ है। छोटे को बोला, अब्बा का 15 लाख का मसला है, मेरे पास कहाँ है। ये बेटा जिसके लिए हम और आप मिष्टी बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, बेटुआ बेटुआ कुछ काम का नहीं है। जिसके लिए हम और आप कर्ज ले रहे हैं कोई काम का नहीं है। सीधा बोल देगा, अब्बा ने लिया अब्बा जाने, अब्बा ने लिया अब्बा जाने, हम नहीं जानते। मैं तो और भी आपको बोलता लेकिन क्या बोलूं, वक्त ही नहीं अपने पास। बेटी को पता चला कि मेरे अब्बा के 15 लाख का मसला है, तो पूरा जेवर लेके आ गई, कहा अभी रख लीजिए, जो और बचेगा हम दे देंगे। तो वो आदमी फिर पलटी मारा, भाइयों सुनो सुनो सुनो, 15 लाख मुझे इस मुर्दे से लेना नहीं, बल्कि 15 लाख मुझे इस मुर्दे को देना है। तो किसको देना है वही देखने आया था। अब बड़का बेटा मुंह चूचू का मुरब्बा, दूसरा बेटा मुंह चूचू का मुरब्बा, और तीसरा बेटा मुंह चूचू का मुरब्बा,
मैं समझ गया पैसा 15 लाख ये तीनों को नहीं वो बिटिया को देना है, समझ गया। अब वो हदीस को मुकम्मल करते हैं। जब वो तीसरा जनाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ाया तो एक सहाबी खड़े हो गए, अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जनाजा पढ़ दीजिए, इस मुर्दे को बस जितना कर्जा है मैं चुकाऊंगा। अब आप बताइए, ऐसा दोस्त बना के रखिए अपने समाज में, मतलबी दोस्त नहीं, तस्वीर वाले दोस्त नहीं, तकलीफ वाले दोस्त। तस्वीर में सब नजर आते हैं, तकलीफ में कोई नजर नहीं आता। तस्वीर में सब हैं, तकलीफ में बीवी भी साथ छोड़ देती है, बोल ही देता हूं नहीं बोलना चाहता था। सहारा ग्रुप के मालिक सुबोध राय बेसहारा होकर दुनिया से गए हैं। 2005 में उन्होंने अपने दो बेटों की शादी की थी, जिस पर 500 करोड़ रुपया खर्च किया था। फिल्मी दुनिया के महानायक, क्रिकेट की दुनिया के भगवान, वही सहारा ग्रुप के मालिक जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को 20 साल तक जर्सी को स्पॉन्सर किया। जब वो बेचारा दुनिया से रुखसत हुआ, पता है आपको, दो बेटों में से एक बेटा भी उस लाश को आग लगाने के लिए नहीं आया, बेटा ही नहीं बल्कि धर्म पत्नी बीवी भी देखने के लिए नहीं आई। ऐसी दौलत को लात मारिए, ऐसी दौलत का फायदा क्या, ऐसी औलाद का फायदा क्या, ऐसी बीवी का फायदा क्या जो मतलबी हो। अपना मामला साफ रखिए।